हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस लक्ष्य 100+ 90 डेज रिविजन कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाते हैं। डे 33 में हम लोग पहुंच चुके हैं और हमने कल के पार्ट से, पिछले पार्ट से इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को स्टार्ट किया है। तो आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पार्ट 2 को। तो अगर अभी तक आप में से किसी ने भी ये कोर्स एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर एनरोल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ये वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट की नोटिफिकेशंस मिस ना हो। और मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग मतलब ये वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने कोर्स एनरोल करा हुआ है, वो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को ये कोर्स कितना पसंद आ रहा है और आप लोगों को कितना लग रहा है कि ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में हेल्पफुल होगा, ताकि हम लोगों को भी ये चीज़ का एक अंदाज़ा लग सके, एक आइडिया आ सके कि हम जो चीज़ ये एफर्ट आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए वाकई में हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के दिन के 5 क्वेश्चंस क्या हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ODF प्लस प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा ODF प्लस है ये, ठीक है। तो इसमें पहला लिखा गया है कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द ODF प्रोग्राम। ODF है आपका ओपन डिफिकेशन फ्री, जो प्रोग्राम था अंडर द स्वच्छ भारत मिशन टू सस्टेन द ODF प्रोग्राम। यानी कि ये ODF प्लस जो है वो इसका एक एक्सटेंशन है, ठीक है, किसका? ODF प्रोग्राम का। और दूसरा है इट ऑल्सो टेक्स अप सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ये दोनों को कवर करता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इसका सही बनना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, आइए जल्दी से इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। पॉइंट्स क्या है? ODF प्लस इज एन एक्सटेंशन, ध्यान रखिएगा एक्सटेंशन है किसका? ऑफ द ODF प्रोग्राम जो कि था अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू सस्टेन द ODF प्रोग्राम, यानी कि जो ODF प्रोग्राम चल रहा है उसको सस्टेन करना है। सस्टेन करना है मतलब कि उसको हमें, मतलब जिस तरीके से वो प्रोग्राम चल रहा है उसको उसी तरीके से चलते रहने देना है और आगे की तरफ को उसको, और मतलब आने वाले समय में भी उस प्रोग्राम को चलाए रखना है, ठीक है। एंड टू टेक अप द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जो ODF प्लस प्रोग्राम है इसके 4 वर्टिकल्स हैं, क्या क्या है देखिए। पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा है ग्रे वाटर मैनेजमेंट और चौथा है फीकल स्लज मैनेजमेंट। तो ये 4 हैं, ध्यान रखिएगा इन 4ों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इनमें से कौन से हैं या कौन से नहीं है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यूली प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, ठीक है। और हाँ, ये जैसे मैं बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो इस बार का आपका इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है या जो बजट पेश हुआ है उसमें ये क्वेश्चन जो है, मतलब ये कंटेक्स्ट इन क्वेश्चन का वहीं से लिया गया है, ठीक है। ये फिर से मैं आपको एक बार याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए, इसके बारे में लिखा गया है कि इट एम्स टू प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। और दूसरा है इट विल वर्क थ्रू अ पोर्टल एंड गिव प्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंड बैंक्स एंड फैसिलिटेट क्लियरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या इसके सही जवाब है? इसमें भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका भी सही बनता है। एंड टू एंड सॉल्यूशन देना है किसको? यंग एंटरप्रेनर्स को। और दूसरा है कि एक पोर्टल के तहत काम करेगा और ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा? प्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या एडवाइजरी जरूरी है वो बताएगा। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंड बैंक्स, ये लैंड बैंक्स क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में ढूंढ के आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि लैंड बैंक से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। जनरली लैंड से रिलेटेड कंसेप्ट है, मेरे को बताइएगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में क्या है। इन अ बिड टू सपोर्ट फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रपोज टू सेटअप एन इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल व्हाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2020 में उन्होंने ये बात बोली थी। The cell will provide end-to-end facilitation and support, including pre-investment advisory, information related to land banks and facilitate clearance at the center and state level. ध्यान रखिएगा, center और state दोनों level पर बात की गई है, and this will work through a portal. ये एक portal के तहत जो है वो काम करेगा, investment clearance cell. ठीक है, land bank क्या होता है ये मुझे आप नीचे comment section में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट द स्मार्ट मीटरिंग इज यूजुअली सीन इन द न्यूज़। स्मार्ट मीटरिंग जो है वो किसके संबंध में यूज होता है? एक है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, दूसरा है वाटर कंजम्पशन, तीसरा है फ्यूल कंजम्पशन इन ऑटोमोबाइल्स और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो किसके रिस्पेक्ट में होगा ये कंसेप्ट आप लोगों को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। स्मार्ट मीटरिंग जो है वो ए है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ठीक है।
इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए स्मार्ट मीटर क्या होता है, इट इज़ अ डिजिटल मीटर, ठीक है। डिजिटल मीटर दैट रिप्लेसेज योर ओल्ड एनालॉग मीटर्स विच आर यूज इन होम्स टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल यूसेज। जो आपके बिजली के मीटर होते हैं उनको डिजिटल बना दिया गया है, दैट इज ओनली योर स्मार्ट मीटरिंग, ठीक है। और ये डिजिटल मीटर क्या कर सकते हैं, दे कैन ट्रांसमिट द एनर्जी कंजम्पशन इन्फॉर्मेशन टू द यूटिलिटी एज इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है, इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, एंड कैन मॉनिटर द कंजम्पशन मोर प्रिसाइसली, देयर बाय इनेबलिंग मोर इन्फॉर्म्ड एनर्जी चॉइसेस, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है दैट इज योर स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम जो है, ये किसका प्रोग्राम है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, इसका ये प्रोग्राम है। इज वर्किंग टू इवेंचुअली रिप्लेस 25 करोड़ कन्वेंशनल मीटर्स विद स्मार्ट मीटर्स अक्रॉस इंडिया। तो ये काम चल रहा है, काफ़ी जगह पे ये चीज़ हो चुकी है, बहुत पहले से हो चुकी है, काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है और अभी भी इसमें जो है ये काम अभी भी चल रहा है कि रिप्लेसमेंट का काम, ठीक है। तो ये जो स्मार्ट मीटरिंग है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, प्रोग्राम का नाम है, आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं यहाँ से, स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, और किसका है ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिन का चौथा क्वेश्चन क्या है। द प्लेस, एक जगह की बात की गई है, शिव सागर आसाम में ये जगह है, दैट वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पहला है इट वॉज द कैपिटल ऑफ द अहोम किंगडम, ये एक अहोम किंगडम था उसकी कैपिटल थी। दूसरा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू सेट अप एन ऑन साइट म्यूजियम एट दिस साइट, इस जगह पर एक ऑन साइट म्यूजियम बनाने की बात की गई है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, फिर से इनमें से दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, ऑप्शन इसका बनेगा सी, ठीक है। आइए जल्दी से इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। शिव सागर इज द सिटी इन आसाम विच इज नेम्ड आफ्टर द शिव सागर लेक, वहां पर एक लेक है, एक ताल है जिसका नाम है शिव सागर, तो उसके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है शिव सागर, ठीक है। विच वॉज कमीशनड बाय द अहोम किंग शिवा सिंघा, ठीक है। शिवा सागर फॉर्मली नोन एज द रंगपुर वॉज द कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम फ्रॉम 1699 टू 1788, यानी कि लगभग 89 सालों के लिए, 1699 से लेकर 1788 तक ये अहोम किंगडम की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और मैनी आर्कियोलॉजिकल पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ द एंशियंट अहोम्स वर फाउंड इन एंड अराउंड द सिटी, ठीक है। और यूनियन बजट 2020-2021 में ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने प्रपोज किया है टू सेट अप ऑन साइट म्यूजियम्स, कहाँ पर, 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, ठीक है, उसमें से ये शिवसागर जो है वो भी एक है। बाकी क्या क्या है देखिए, राखीगढ़ी है एक हरियाणा में, हस्तिनापुर है यूपी में, शिवसागर है हिमाचल आसाम में, धौलावीर है गुजरात में, और आरडी चन्नालुर है आपका तमिलनाडु में। तो ये 5 जगहों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि आपको एक जगह का नाम दे दिया जाएगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है, या फिर ये जगह जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछने लगा है पिछले कुछ सालों में, तो प्लीज़ इस तरीके को आप इस जगह को आप याद रख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो 4 जगह और दी गई हैं, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, धौलावीर और आरडी चन्नालुर, इसको भी आप याद यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स द टर्म केज कल्चर, केज कल्चर जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर ऑरेंज रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, केज कल्चर दिया गया है, नीचे आपको ये 4 रिवॉल्यूशन के नाम दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब मैं आपको बताऊं ऑप्शन ए है। और ये क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए जो केज कल्चर है इसका मतलब होता है इट इज एन एक्वा कल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, ये एक्वा कल्चर प्रोडक्शन सिस्टम है जहां पर जो फिशेज हैं, जो मछलियां हैं, उनको रखा जाएगा एक फ्लोटिंग नेट पेंस के अंदर, ठीक है। और केज कल्चर ऑफ फिश यूटिलाइज क्या करता है, एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज बट एनक्लोजेज द फिश इन अ केज और बास्केट विच अलाउज वाटर टू पास फ्रीली बिटवीन द फिश एंड द पॉन्ड परमिटिंग वाटर एक्सचेंज एंड वेस्ट, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन टेक्निक फॉर फ्रेश वाटर फिश प्रोडक्शन, ये फ्रेश वाटर फिश प्रोडक्शन के लिए एक कॉमन टेक्निक है, ठीक है। और जो ब्लू रिवॉल्यूशन है ये भी इसी से रिलेटेड है, फोकस इज मेनली ऑन इंक्रीजिंग द फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एक्वा कल्चर एंड फिशरीज रिसोर्सेज बोथ इनलैंड एंड मरीन, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्लू रिवॉल्यूशन और जो ये केज कल्चर है ये दोनों आपस में रिलेटेड है टू द फिशरीज प्रोडक्शन या फिर आप कह सकते हैं एक्वा कल्चर से लेकर। तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस जो सुबह के क्विज में लाइव हुए थे, आप सभी लोगों के पास मौका था उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने करे भी हो। अगर अभी भी आप लोगों में से कुछ ने क्विज एनरोल नहीं किया है, कोर्स एनरोल नहीं किया है, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसके थ्रू कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये चीज़ बताइए कि ये कोर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल आप लोगों को लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं लग रहा है तो फिर वी मे हैव टू थिंक इन सम अदर वे, क्योंकि इस तरीके से रोज़ एक एक वीडियो बना के आपको क्विज बना के वीडियो बना के आप लोगों को देना,
इट्स नॉट अदरवाइज सस्टेनेबल, क्योंकि अगर चीज़ें आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू डू दिस, तो फिर अब कुछ और चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों के फ़ायदे के लिए की जा रही हैं। आने वाले समय में अगर आप लोग एग्ज़ाम जब देंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि इस कोर्स में जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड जो 50% 70% जो यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, उसका कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट जो है वो आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कोर्स आप लोगों को किस तरीके से हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में। और बाकी अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई डाउट है, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई भी और प्रॉब्लम है तो ईमेल आईडी के थ्रू भी हमें लिख सकते हैं, या फिर आप हमें लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कल के दिन के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। क्विज 9 बजे लाइव होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स में ज़रूर एनरोल कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। थोड़ा सा आपको अपना एक प्रिपरेशन का क्या लेवल चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है, उसका भी एक आइडिया लगेगा। और बाकी रात को 8 बजे क्वेश्चंस देखने के लिए, डिस्कशन देखने के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में, तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।